सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ चीजी ब्रेड डिश। सो यहाँ पे जो है मैंने 2 स्मॉल साइज के ब्रेड लिए हैं और उसके आप कोई से भी कटर से कोई से भी शेप से आप कट कर सकते हैं। एक ब्रेड को हमने पहले कट किया है और उसको फिर करेंगे साइड। सेकंड ब्रेड ली और सेकंड ब्रेड को भी हमने सेम साइज से कट किया, कटर से सेम कटर से कट किया सेकंड ब्रेड को भी। सबसे बड़े से छोटे मतलब थर्ड नंबर वाला जो हमारा था कटर, उससे हमने कट किया अब इसको। अब ऐसे कट किया हमने और उसके बाद जो हमारे पास एक जो हमने फर्स्ट वाले ब्रेड से हमने कट किया था उसको लेके सेकंड वाले ब्रेड के पीस से जो कट किया था उसको सेंटर में बीच में रखेंगे और ऐसे अब यहाँ पे हम स्टफिंग इसके बीच में भरेंगे। आप लोग चाहे आप कोई से भी कर सकते हैं, मैंने चिकन और वेजिटेबल्स की करी थी, आप खाली वेज की कर सकते हैं या फिर आपकी अपनी मर्जी है। ये सारे यहाँ पे मैंने कट कर लिए। यहाँ पे स्टफिंग तैयार करते हैं। यहाँ पे 2 टेबल स्पून ऑयल हमने ऐड किया एक पैन में और उसको थोड़ा सा गर्म होने दिया। उसके बाद हमने जी इसके अंदर ऐड किया 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको थोड़ी देर फ्राई करने के बाद जी इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन। चिकन ऐड करने के बाद चिकन को भी फ्राई करेंगे। चिकन को थोड़ी देर फ्राई करेंगे उसके बाद जी इसके अंदर हम ऐड करेंगे स्पाइसेस। नमक ऐड करेंगे इसमें हसमे साइका। देन इसके अंदर हम ऐड करेंगे रेड चिल्ली फ्लेक्स। उसके बाद जी हम इसके अंदर ऐड करेंगे ब्लैक पेपर। फिर उसके बाद ऐड करेंगे चिकन पाउडर। आप लोग की मर्जी है चिकन पाउडर ऐड करें या ना करें। और इसको फिर मिक्स करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। इसको मैंने थोड़े देर थोड़ा सा कर लिया था, मतलब उसको आप लोग चाहे रेशा कर लिया था, आप लोग चाहे तो इसका कीमा भी ले सकते हैं चिकन का, बट मैं चिकन का कीमा नहीं लिया। और इसके बाद हमने इसके अंदर अपनी वेजीज ऐड करी जो कि कैरेट, कैप्सिकम और टोमेटोस ऐड किए थे। टोमेटोस बाद में ऐड किए थे क्योंकि फिर टोमेटोस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते। हमने जो स्पाइसेस अपने चिकन में ऐड किए थे वही स्पाइसेस हमने सेम इसमें ऐड करने हैं, लाइक सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चिकन पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है और इसको अच्छी तरीके से मिक्सी मिक्सी करना है।
उसके बाद ये इसके अंदर हम ऐड करेंगे टोमेटोज, क्योंकि मैंने बाद में इसलिए ऐड किए क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं टोमेटोज, तो बाद में ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और ये रेडी हो गया। जी हम इसमें एक सॉस बनाएंगे, जिससे हम बटर लिया, मैंने 1 टेबल स्पून बटर लिया और उसको मल्टी कर लिया। उसके बाद 2 टेबल स्पून इसके अंदर केचप ऐड किया। उसके बाद जी केचप ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने ऐड की गार्लिक सॉस। आप लोग चाहे तो आप इसके अंदर मायोनीस भी ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्सी करा। मिक्स करने के बाद जी अब आपको जितना ब्रेड के ऊपर लगाना है आप ब्रेड के ऊपर लगाएं। यहाँ पे जो है मैंने सारे ब्रेड के ऊपर लगा ली अपनी सॉस। यहाँ पे जो हमारी स्टफिंग थी अब उसको हम फिल करेंगे इसके अंदर, जितनी मर्जी आप लोग कम डालें या ज्यादा डालें। अब हम इसको रखेंगे बेक होने के लिए और बेक जो है 15 मिनट्स में हो गए थे ये। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। अच्छा इसका कलर आ गया और ये तैयार हो गए। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा। जब तक के लिए सबको अल्लाह हाफ़िज़।